26/11 के आतंकी हमले को 14 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले की 15वीं बरसी पर छतरपुर में समाज सेवी संगठनों ने बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में कारगिल चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और लोग मौजूद रहे। बता दें 26 नवम्बर 2008 की शाम 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों से और गोलीबारों से दहला दिया था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बम ब्लास्ट हुआ था 26/11 का, उसके लिए हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि और मौन धारण करने आए थे। बाबूराम स्टेडियम से हम लोग पैदल आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसमें 17 सैनिक जवान मतलब शहीद हुए थे और 200-250 के लगभग उसमें आम नागरिकों की हत्या की थी। वो एक काला दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाने आए थे। हम लोगों ने, जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे, 2008 में मुंबई में आतंकियों द्वारा सबसे भारतीय इतिहास में सबसे दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, अटैक हुआ था। तो उन्हीं कुछ उसमें आम लोग भी मारे गए थे, करीबन 100-200 लोग। उसमें कुछ हमारे पुलिसकर्मी सैनिक भी थे। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी।